खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और अब इस वक्त की बड़ी खबर राहुल के नागरिकता विवाद को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, है उनका आ, और लिमिटेड कंपनी का नाम वहां नेशनैलिटी ब्रिटिश आता है और उसके बाद कंपनी को डिजॉल्व डिक्लेयर किया जाता है तो जब ये कंपनी आरंभ होती है तब वो ब्रिटिशर हैं जब ये कंपनी डिसॉल्व होती है 2009 में तब वो ब्रिटिशर हैं जब 2005 और 2006 में इसकी एनुअल रिटर्न्स भरी जाती है तो वो अपने आप को अंग्रेज बताते हैं अर्थात ब्रिटिशर बताते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा था बहरहाल जवाब नहीं मिला तो ही अपियर्स टू बी द मैन ऑफ मिस्ट्री वैसे आज एक और मिस्ट्री इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया है वो पदचिन्ह दिखे गए हैं यती के तो ये जो पदचिन्ह आज नागरिकता के हम देख रहे हैं वे डज दीज फुटप्रिंट्स वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे दीज डॉक्यूमेंट्स दैट वी कैरी टुडे दीज आर द फुटप्रिंट्स विच हैव क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड वी वांट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम राहुल गांधी की आखिरकार ये जो पदचिन्ह है ये जो पदचिन्ह कहां जाके रुकते हैं राहुल कौन सा सच्चा है विच राहुल इज ओरिजिनल राहुल लंडन वाले या राहुल लुटियंस वाले कौन सा राहुल आखिरकार ओरिजिनल है देशी या विदेशी राहुल लंडन वाले या राहुल लुटियंस वाले बंधुओं जैसे मैंने बताया कि इन सभी सवालों का आधार कुछ दस्तावेज हैं ये वो दस्तावेज हैं और वो दस्तावेज ऑथेंटिकेटेड हैं ऑथेंटिकेटेड का अर्थ हिंदी में होता है सत्यापित अर्थात उसको आप दोबारा पढ़ता है जो व्यक्ति एडमिशन करता है जो आदमी लिखता है वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के पश्चात अपने हस्ताक्षर करके कहता है कि मैं इन दस्तावेजों को सत्यापित कर रहा हूं अर्थात जो भी इसमें लिखा गया है कहा गया है बोला गया है वो सत्य है ओथ में वो सत्यापित करता है इसलिए ये डॉक्यूमेंट सत्यापित है क्या दस्तावेज है हमारे पास एक कंपनी के दस्तावेज है उस कंपनी का नाम है बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होता है इंग्लैंड यूके में यह रजिस्टर होता है यह डिसॉल्व भी होता है यूके में तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की कॉपीज हैं जो कि अगस्त ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड थ्री उस समय रजिस्टर होती है हमारे पास उस कंपनी के डिजोल्यूशन के कागज हैं जब यह कंपनी को डिजोल्व किया गया कंपनी को रोका गया बंद किया गया फेबर सत्रह दो का उसके दस्तावेज है उस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स हैं जो कि दो बार फाइल किए गए हैं और वो दोनों कागज हमारे पास हैं 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 इन दोनों डेटो में एनुअल रिटर्न्स इस कंपनी के फाइल किए गए वो दस्तावेज भी हमारे पास है ये सवाल इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने की आवश्यकता है तो राहुल लंडन वाले या राहुल लुटियन वाले ये बड़ा सवाल जो बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक बीजेपी हो गई है इस मामले में नोटिस गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है राहुल गांधी को जवाब देने के लिए सवाल सबसे पहला जो खड़ा किया गया वो बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से किया गया सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने गृह मंत्रालय से शिकायत की अब नागरिकता विवाद में राहुल से बीजेपी के सवाल बीजेपी सवाल पूछ रही है राहुल और कंफ्यूजन पर्यायवाची हैं है ये करार दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से राहुल की यात्रा कंपनी डिग्री हर चीज संदिग्ध ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं